रिजॉर्ट में बीजेपी विधायकों की बाड़े बंदी को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का बयान। ये बाड़ेबंदी नहीं, विधायकों को प्रशिक्षण देंगे। कटारिया सामूहिक रहकर पार्टी के विस्तार पर बातचीत करेंगे। कटारिया ने यह बयान दिया और कहा कि कांग्रेस की बाड़ेबंदी पर कटारिया ने साधा निशाना। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि उन्हें बहुमत का भरोसा है तो उदयपुर जाने की क्या जरूरत। सरकार को कानून व्यवस्था की चिंता नहीं है, राज्यसभा में दूसरे उम्मीदवार जीतने की 100% उम्मीद। कांग्रेस में अभी असंतोष की चिंगारी है। तो देखिए, कटारिया का यहाँ पर बयान सामने आया है। आपको बता दें, भाजपा के विधायकों की भी बाड़ेबंदी हो चुकी है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा है कि ये कोई बाड़ेबंदी नहीं है, ये एक शिविर है, ये कह लीजिए। यहाँ पर जितने भी विधायक हैं उनके साथ रणनीति यहाँ पर डिस्कस की जाएगी, रणनीति के ऊपर बात किया जाएगा। चुनाव के पहले हमने अपने सब MLAs को एक जगह ले करके वोट डालने के बारे में भी एक प्रशिक्षण देना आवश्यक है। छोटी मोटी भी गलती हो जाती है तो जो काउंटिंग की गणित है वो बदल जाती है, तो एक तो वो नहीं हो। दूसरा क्या है कि सामूहिक रह करके पार्टी के और बारे में भी, विकास के बारे में, उसके विस्तार के बारे में भी समय का सदुपयोग करेंगे। अगर बाड़ाबंदी कही जाती है तो जयपुर में क्यों करते हैं? बाड़ाबंदी तो उदयपुर में करनी पड़ी, 400 किलोमीटर दूर, 2 तारीख को करनी पड़ी, उसको जो सरकार चला रहा है और जिनको 100% कॉन्फिडेंस है कि हमारे पास बहुमत है, तो फिर वहाँ उदयपुर भागने की जरूरत क्या है? फिर वहाँ नेट बंद करने की जरूरत क्या है? फिर वहाँ मोबाइल बंद करने की जरूरत क्या है?